अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां अग्रवाल समाज के द्वारा कुलदेवी माता महालक्ष्मी कांच मंदिर का 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान समाज सेवी संस्थानों पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि अखिल भारतीय युवा समाज के द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया है। छप्पन भोग महाआरती पूजन कार्यक्रम और आरती के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं पदाधिकारियों ने क्या कहा है। श्री मोहित अग्रवाल जी पुष्पगुच्छ बैज पटका एवं मोती माला के द्वारा स्वागत करते हुए आज कुलदेवी माता महालक्ष्मी जी कांच मंदिर के गरिमा में 13 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस कांच मंदिर में अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा अग्रवाल समाज युवा के मार्गदर्शन में स्थापना दिवस का ये आयोजन किया गया है। इस पर छप्पन भोग महाआरती पूजन का आयोजन हुआ है। इसके साथ आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और तरह तरह के जो है सम्मानों का आज वितरण किया जाना है, जिसमें आज लोकतंत्र के माने जाने वाले चौथे स्तंभ मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकारों का सम्मान भी किया जाएगा। तत्पश्चात यहाँ पर जो आज मनोरंजन की 4 प्रकार की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई थी, बच्चों के लिए क्ले आर्ट प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता एवं महिलाओं के लिए व्यंजन सजाव प्रतियोगिता आयोजन किया गया था, जिसका 4 बजे से 5 बजे तक चली। और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दैनिक भास्कर के संचालक श्री अजय अग्रवाल जी आ चुके हैं, और एवं इसमें विशेष अतिथि के रूप में श्री संजय अग्रवाल जी, डॉक्टर ईशान गोयल, श्री गणेश प्रसाद अग्रवाल जी उपस्थित हैं सभी। नमस्कार, रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट, और हमारे यहां आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए, और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें युवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।